close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hello friends, welcome to our vlog again. So आज हम लोग आए हुए हैं सरदार जी का ढाबा. ये देखिए मेरे बैग है सरदार जी का ढाबा. अभी आप लोग को दिखाई देगा ये कैमरे की क्वालिटी वालिटी देखो. बट अभी अंदर से हम लोग दिखाएंगे. यहाँ से बाहर से तो व्यू बहुत ख़राब है, बट अंदर सरदार जी के ढाबे में जाएंगे तो यहाँ के फूड बहुत फेमस है. चिकन मेनली तो नॉन वेज के लिए फेमस है, बट अगर आप लोग यहाँ पे वेजिटेरियन भी हैं तो भी यहाँ पे खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है वेज नॉन वेज का. तो अगर आप वेजिटेरियन है तो यहाँ पर वेजिटेरियन भी आ सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन है तब भी यहाँ पर आ सकते हैं. तो मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ. लोकेशन ये इधर ही की है, सिल्क बोर्ड की. बस सिल्क बोर्ड है, सिल्क बोर्ड के लिए स्ट्रेट जाके बीटीएम लेआउट पड़ता है. आपको बीटीएम लेआउट नहीं जाना है, उधर से लेफ्ट लेके थोड़ी आगे तक आना है. नियरली 1.5 किलोमीटर आएंगे तो आपको यहीं पर सरदार जी का ढाबा मिल जाएगा. तो मैं आपको बता दूँ इमिट्स है, ये आप मेरे बैग पे देख सकते हैं. इमिट्स बना है, इमिट्स का ऑफिस बना है, बस उसी के जस्ट सामने ही है. बस एक ऑनलाइन बहुत छोटी दुकान है. और एंड आप गूगल पे भी टाइप करेंगे सरदार जी का ढाबा तो आपको गूगल पे मिल जाएगा सरदार जी का ढाबा. तो ये रहा सरदार जी का ढाबा. देखिए ये रहा सरदार जी का ढाबा. ये है लोकेशन, देखेंगे लोकेशन तो बहुत ख़राब है, जैसे कबाड़ी मार्केट टाइप की है. बट अंदर से अच्छा बना हुआ है, अंदर से सही है, साफ़ सफाई से देते हैं खाना वाना. टेबल वेबल चली पड़ी हुई है एंड बहुत बड़ा, देखिए पीछे तक की पूरा ही ढाबा बना हुआ है. लोकेशन वाइज ये थोड़ा ख़राब है, बट यहाँ पे आपको सही प्राइस पे फूड मिल जाएगा. ये है लोकेशन सरदार जी के ढाबे की. मगर लोकेशन वाइज देखा जाए तो बहुत ही गंदा है, बट अंदर से देखिएगा अंदर से सही है. ये होती है ढाबे की स्टार्टिंग. ये है ढाबा. इधर बैठे, इधर बैठे, इधर बैठो ना. तो हम लोग यहाँ पे चूज़ करते हैं इस टेबल को. ये देखिए मेन्यू है यहाँ का. देखिए मोस्टली आइटम आपको बहुत ही सही प्राइस में मिल जाएंगे. ये है नॉन वेजिटेरियन सेक्शन और उसके बगल में है वेजिटेरियन सेक्शन. देखिए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन रेसिपी नियर इक्वली हैं, जितने वेज आइटम हैं उतने नॉन वेज आइटम भी हैं. तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या मंगाया खाने में. हम लोगों ने मंगाया है यहाँ से, ये है पनीर, कढ़ाई पनीर या लजीज, एंड ये एक बटर नान और एक कुलचा, एंड ये बिरयानी राइस, एंड ये चिकन, चिकन तंदूरी पता नहीं क्या, और ये देखिए सैलड. तो देखिए इतना आइटम लगाया है और देखने में भी देखिए कितना ही टेस्टी लग रहा है. मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं केवल पनीर खाऊँगा एंड ये रोटियाँ और थोड़े से राइस. तो देखिए एक खाना है, ये है बटर रोटी, ये है सैलड एंड ये है पनीर. देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है. तो देखिए अभी हम लोग निकले हैं सरदार जी के ढाबे से. तो हम लोग लिया था एक एक पनीर ली थी, कढ़ाई पनीर, एक चिकन लिया था एंड दो नान ली थी एंड एक बासमती राइस ली थी. सो उससे मिला के टोटल हम लोग ने दो लोगों ने पूरा खाया. तो देखिए मेरे हाथ में बिल है और ये बिल है 289. तो बिल टोटल बना है 289 का बिल बना है. तो मेनली हम लोग दो लोग थे और एक वेज था एक नॉन वेज था, तो इस वजह से बिल ज़्यादा आ गया. नहीं तो अगर जैसे एक वेज वाला जाए या दोनों वेज हों या दोनों नॉन वेज हों तो ऐसे करके बिल कम हो सकता है. बिकॉज एक सिंगल सब्ज़ी में हो सकता है, सब्ज़ी ज़्यादा थी, हम लोग की आधी आधी सब्ज़ी तो बची गई थी. चलो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग, ये सरदार जी के ढाबे का. मैंने वैसे पहले आप लोग को लोकेशन बता दी है, एक बार फिर से आपको लोकेशन बता देता हूँ. ऑडी कुछ ऑडी है, बैग मेरा है इमिट्स, इमिट्स के इस पार पे है. आप इमिट्स ना चले जाइएगा, वो नेक्स्ट पट्टी पे. तो इस लोकेशन पे बस सिल्क बोर्ड से लेफ्ट लेके यही सीधे कोई वो छोटी सी दुकान है, तो आप लोग को थोड़ा ध्यान से आना पड़ेगा. या गूगल में सर्च मार सकते हैं, गूगल में उसकी एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पड़ी हुई है, जो आप देख सकते हैं. ठीक है दोस्तों, ये था आज का ब्लॉग. अगर आप लोग को खाना पसंद आया हो या ब्लॉग पसंद आया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा.
थैंक यू।